गाइस, तो आज हम जा रहे हैं बोली बोली का ब्लॉग बनाने। तो बोली के अंदर हम वहाँ के किले में जाएंगे, हो सकता है जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज से किले में, किले से पूरा बोली घूमेंगे, और बोली के अलावा बीच में जितनी भी प्लेस हैं हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, ठीक है। राजस्थान में एक खंभे की छतरी कहाँ पर है? तो राजस्थान में एक खंभे की छतरी सवाई माधोपुर में है, पीजी कॉलेज के सामने। बनास नदी, बनास के लिए ये जो हमारे पीछे दिख रहा है, इसी जगह पर से नीचे यहाँ पर वो बस गिरी थी जिसमें 35 से 40 के समथिंग आदमी मरे थे। आपको इस साइड में जो दिख रही ना बस, हाँ वो यहीं से गिरी थी, देखिए। बड़ा ही दुख का वो था, और ये हमारे साहिल भाई हैं, और हम अभी पहुँच चुके हैं बनास नदी, बनास पुलिया। ने देखा यही वो जगह है जहाँ से बस गिरी थी, बड़ा ही भयानक माहौल था। सो गाइस, कभी भी ऐसी पुलियों पर ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। ओवरटेक करोगे तो फिर आगे आप जानते ही हो, इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि दुर्राटे ना मारें, तमीज से चले आराम से, क्योंकि ये पुलिया है और ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है, किसी की मोहताज नहीं कब किसको ले जाए, इसीलिए दुर्राटे ना मारें। Okay.
गाइस, तो आज हम आपके हमारे KBMTT कॉलेज, तो हम पहले कॉलेज में से हमारा BEd सेकेंड ईयर जो चल रहा है इसमें उसका अलॉटमेंट लेटर लेना है, वो ले लेते हैं। पहले ये हुलिया सही कर लेते हैं, कॉलेज अच्छा नहीं लगता। चल भाई देख देना। यह गाइस हमारा KBMTT कॉलेज और हम जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस, ये कॉलेज का काम हो चुका है पूरा, सिर्फ हमें प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिली है, तो वो प्रोजेक्ट फाइल बाद में आएंगे लेने कभी फिर। और अब हम निकलते हैं, देखते हैं किले, ये जो हमारे ये दिख रहा है ना डूंगर, ये किले का डूंगर है ऊपर। अब देखते हैं किले पर जाने का रास्ता है या नहीं है, कैसे होता है। आइए चलिए हम आगे पूछते हैं। हाँ तो गाइस, ये बहुत बढ़िया है किला, यहाँ का मैंने देखा तो नहीं मगर दूर से इतना बड़ा लग रहा है। हाँ तो गाइस, अब हम आ चुके हैं किले नहीं, अभी हम आए हैं छतरी। आ जाओ। तो ये SBI भारतीय स्टेट बैंक की शाखा लिख रहा है यहाँ पर, और अब हम ये पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। देखिए जहाँ से आपको किले का नज़ारा भी दिखाएंगे, चढ़ना बड़ा ही खतरा है। लेकिन बड़ा एडवेंचर है, ये हमारे साहिल भाई आ रहे हैं, यहाँ ऊपर जाएंगे। और आपको दिखेगा किला। तो फाइनली गाइस, हम किले नहीं पहुंच पाए हैं, आपको किला नजर आ रहा होगा। सो गाइस, आपको किला नजर आ रहा होगा हमारे पीछे। हम वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने एक भाई से पूछा था, तो उसने हमें जवाब दिया कि अभी उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो 2.5 करोड़ उसके लिए पास हुए हैं, तो वो और बढ़िया बन जाएगा, हाईवे बनेगा उस तक जाने के लिए। तो अगली बार इंशाल्लाह हम उस किले का ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे, आएंगे तो। तो अब हम यहाँ से यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। और मेरा जो स्कूल मुझे मिला है पुसोदा में, उस स्कूल में होते हुए चलेंगे, तो आपको मैं स्कूल भी बताऊँगा, स्कूल के बच्चे भी बताऊँगा। बस हमारे साथ जुड़े रहें। बन रहा है, पता नहीं रोड है या फिर ट्रेन निकलेगी इस पे से, बस बन रहा है, क्या है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। ये कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के अंदर या 1 साल भी लग सकता है, या ढीले मिस्त्री हुए तो 2 साल भी लग सकता है। ये देखिए गाइस, बढ़िया है। अब हम अंदर से होके जाएंगे अभी गाइस, उस पुल के नीचे से होके इसके ऊपर से पुल निकलेगा गाइस। ये देखिए काम चल रहा है, यहाँ मरम्मत का काम भी है, प्रगति पर है। पुलिया ऊपर देखेंगे सामने से आते हुए। हम स्कूल में आ चुके हैं पुसोदा के, तो आपको स्कूल, हम स्कूल के अंदर होके आते हैं। हेलो गाइस, तो साहिल भाई छुपो मत, इधर आओ।
तो हम आपने देखा हम पटाखे आ चुके हैं, अब आगे आते रहेंगे। ठीक है, ये था पुसोदा का स्कूल जहाँ मुझे 4 महीने तक पढ़ाने आना है। अब हम निकल रहे हैं अपने घर को इस स्कूल से फ्री होकर, क्लास से 3:30 बज गए हैं, नमाज भी पढ़ेंगे बीच में, तो चलो आओ हमारे साथ। सो फाइनली गाइज, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और हम बोली होकर आ चुके हैं। हमने इसमें आपको कई नॉलेज की बातें बताई है, हमने हमारा कॉलेज बताया है KBMKT कॉलेज बीएड का, जिसमें बीएड सेकंड ईयर में हूँ, और मैंने स्कूल भी बताया है मेरा जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। और हाँ, सूरी वो किले की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि उसका भी काम चल रहा है, तो अगली बार जब काम पूरा हो जाएगा तो हम उसकी भी वीडियो बनाकर इस पर डालेंगे। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। ठीक है।